हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विवेक अग्निहोत्री और रणबीर कपूर के बारे में। तो यहाँ पर अगर बात की जाए रणबीर कपूर की, इस वक्त रणबीर कपूर की मूवी ब्रह्मास्त्र को जम के ट्रोल किया जा रहा है और इनकी इस मूवी को बायकॉट किया जा रहा है। और याद रहे ये मूवी हाई बजट में बनी थी। अगर वहीं पर बात की जाए रणबीर कपूर की इस मूवी को क्यों बायकॉट किया जा रहा है, क्योंकि रणबीर कपूर ने आज से कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें बीफ पसंद है और वो बीफ लवर है और वो बीफ शौक से खाते हैं, जिसके बाद रणबीर कपूर की इस बात को कोट किया गया और सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, जबकि वो इंटरव्यू काफी पुराना था। और हाल ही में जब रणबीर कपूर मंदिर जा रहे थे, रणबीर कपूर को मंदिर में एंट्री नहीं दी गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि रणबीर कपूर का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हुआ था, जिसमें वो बीफ के बारे में बात कर रहे थे और बीफ खाना पसंद करने की अपनी ख्वाहिश बता रहे थे। अगर यहीं पर बात की जाए विवेक अग्निहोत्री की, विवेक अग्निहोत्री का एक पुराना क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें बीफ खाना पसंद है और वो बीफ खाते भी हैं और उन्हें ये भी पता है कि अच्छा बीफ कहां से मिलता है। विवेक अग्निहोत्री का जैसे ही सोशल मीडिया पे ये क्लिप वायरल हुआ, तो विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट ट्वीट करके ये बताया कि उनका ये क्लिप बहुत पुराना है और वो अब कम्प्लीटली वेजिटेरियन हो चुके हैं और उन्हें पता है कि बीफ खाने के कितने नुकसान हैं, इसलिए उन्होंने बीफ खाना बंद कर दिया है और वो अब बीफ नहीं खाते। जिसके बाद भक्तों ने विवेक अग्निहोत्री की ये बात सुनकर उनकी बात को स्वीकार कर लिया और मान लिया कि विवेक अग्निहोत्री बिल्कुल अब वेजिटेरियन है। मगर यहीं पर बात की जाए रणबीर कपूर की, तो रणबीर कपूर हजार मरतबा बोल चुके हैं कि वो अब बीफ नहीं खाते, मगर फिर भी अंधभक्त उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। जो 500 करोड़ में ब्रह्मास्त्र बनी है, फिर भी उनको लोग बायकॉट कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि रणबीर कपूर का एक पुराना क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें वो बीफ खाने के बारे में बता रहे थे, जबकि वो क्लिप काफी पुराना है, बिल्कुल उसी तरह पुराना है जिस तरह विवेक अग्निहोत्री का वो इंटरव्यू पुराना है। मगर यहाँ पर लोग विवेक अग्निहोत्री की बात तो मान रहे हैं, मगर रणबीर कपूर की बात सुनने को तैयार नहीं। तो जैसा कि आपने वीडियो देखी, ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए वाइब्स टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। गुड बाय।